बरसों पहले की बात है, गर्मियों के दिन चल रहे थे। एक गांव में चुन्नूलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो उसकी धर्मपत्नी और बेटे के साथ रहता था। पत्नी का नाम चुन्नी देवी था और बच्चे का नाम गोलू था। गोलू सच में गोलू था, बोले तो मोटू था। माँ चुन्नी देवी के लाड़ प्यार से वो आलसी बन गया था। गोलू कोई काम नहीं करता था और दिन भर बस खाते ही रहता था। गोलू को घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं थी, सब कुछ जगह पर ही मिल जाता था। माँ के लाड़ प्यार से वो मोटा बन गया था। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन गोलू बीमार पड़ गया। चुन्नीलाल सेठ ने बहुत से वैद्यों को बुलाकर गोलू का इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उनके घर के सामने से एक फकीर बाबा गुजर रहे थे। वो बहुत ही ज्ञानी थे। चुन्नीलाल ने उनको घर में बुलाया और बेटे की बीमारी के बारे में बताया। फकीर बाबा, ये देखो मेरे बेटे को क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, चुन्नीलाल बोला। इस पर फकीर बाबा बोले, घबराओ मत, तुम्हारे बेटे को कुछ खास नहीं हुआ है, वो जल्द ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन कैसे बाबा, चुन्नीलाल सेठ ने पूछा। इस पर फकीर बाबा ने पूछा, तुम्हारा बेटा काम क्या करता है घर में? चुन्नीलाल सेठ बोले, कुछ भी काम नहीं करता, बस दिन भर खाता रहता है। इसकी माँ ने इसे पूरा बिगाड़ रखा है लाड़ प्यार से, मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऐसा कहने पर चुन्नी देवी झट से कहती है, तुम चुप रहो जी, एक ही तो बेटा है हमारा, इतनी सारी जायदाद फिर किसकी है, हमारे बेटे की है ना, बैठकर खाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। फकीर बाबा चुन्नीलाल को बाजू में लेकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अगर इसे ठीक करवाना है तो मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात फकीर बाबा, चुन्नीलाल ने पूछा। और फकीर बाबा ने बताया, यहाँ से दो कूस दूरी पर दो आम के पेड़ हैं। उस पेड़ को जादुई आम आते हैं। एक पेड़ को कच्चे आम है तो दूसरे पेड़ को पके हुए आम। तुम तुम्हारे बेटे और पत्नी को हर रोज सुबह होने से पहले पैदल भेजकर वो जादुई आम तोड़कर लाने को कहना है। कच्चे आम तुम्हारी पत्नी लाएगी और पके हुए आम तुम्हारा बेटा गोलू लाएगा। बस इतनी सी बात, चुन्नीलाल ने पूछा। रुको, एक और बात, पका हुआ एक आम ही गोलू ने रोज घर आकर ही चूसना है और तुम्हारी पत्नी को बस रोज 5 कच्चे आम ही साथ में घर लाने हैं। ऐसा कहकर फकीर बाबा वहां से चले गए। अगले दिन सुबह होते ही गोलू और उसकी माँ चुन्नी देवी घर से बाहर निकले। ओहो माँ, मुझे चलना बहुत मुश्किल लग रहा है, गोलू ने माँ से कहा। हाँ बेटा गोलू, पर क्या करे, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है, माँ ने कहा। चलते चलते दोनों उस आम के पेड़ के पास पहुँच गए। चुन्नी देवी ने 5 कच्चे आम तोड़े तो गोलू ने एक ही आम तोड़ा, तो तभी एक कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। वो दोनों दौड़ने लगे, कभी गोलू आगे तो कभी माँ आगे, और कुत्ता हमेशा पीछे दौड़ता रहता। फिर दौड़ते दौड़ते वो घर लौटे। गोलू ने पका हुआ आम चूसा तो माँ ने वो 5 कच्चे आम पानी में रख दिए ताकि खराब न हो। इस तरह गोलू और चुन्नी देवी हर रोज उस आम के पेड़ के पास जाते और आम तोड़कर घर लाते। ऐसा उन्होंने 2 हफ्तों तक किया। अब गोलू दौड़ते दौड़ते आम के पेड़ के पास जाता तो चुन्नी देवी भी जोर से चलती। ऐसा करने से गोलू का मोटापा कम हुआ और वो बीमारी से ठीक हो गया। चुन्नी देवी भी अच्छा महसूस करने लगी। फिर चुन्नी देवी ने उस कच्चे आम का अचार बनाया। तभी फकीर बाबा उधर से गुजर रहे थे। चुन्नीलाल ने उन्हें बुलाया और कहा, फकीर बाबा, आपने तो चमत्कार कर दिया, जंगल के वो दोनों पेड़ सच में जादुई हैं। जादुई आम ने तो सच में कमाल कर दिया। इस पर फकीर बाबा बोले, कहने को तो तुम उसे जादुई आम कह सकते हो, पर असल में ये कसरत का कमाल है, आपके बेटों को बस इसकी जरूरत थी। और सब लोग इस पर हंसने लगते हैं। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? दुनिया में जादू है या नहीं ये तो पता नहीं, पर कसरत करने से जरूर लाभ मिलता है। बहुत दिनों पुरानी बात है, एक जंगल में शेर रहता था।
शिकार की खोज में चलते चलते वो शिकारी के पिंजरे में फंस गया। आखिरकार थक कर वो पिंजरे में ही बैठ गया। कुछ समय बाद उसने एक आदमी को वहां से जाते हुए देखा। वो आदमी बहुत ही सीधा साधा और सरल व्यक्ति था। जैसे ही वो पिंजरे के पास से गुजरने लगा, शेर बड़े प्यार से बोलने लगा, हे सज्जन आदमी, आपको मेरे राज्य में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु मुझे माफ कर दो, मैं आपका ढंग से स्वागत भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी दुष्ट शिकारी ने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया है। आप मुझे उस दुष्ट शिकारी से कहीं गुना सज्जन और सीधे साधे लग रहे हो। वो सज्जन आदमी चौंक गया। उसे शेर पर दया आई। वो शेर से प्यार से बोलने लगा, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तुम्हें इस दुनिया में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग भी दिखेंगे। खैर, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो मुझे अवश्य बताओ। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद किया तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानूंगा। पर मैं थोड़ा सा सशंक हूँ, अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मार के खा जाओगे। नहीं नहीं मेरे दोस्त, भला मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? तुम तो मेरी जान बचाने वाले हो, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मैं तो तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। वो सज्जन आदमी शेर की बातों में आ गया। उसने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर झट से बाहर आया, उस आदमी के सामने खड़ा हो गया और जोर से गरजने लगा। शेर का ये भयानक रूप देखकर आदमी कांपने लगा। प्यारे दोस्त, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद किया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं भी तुम्हें तुम्हारे शरीर से आजाद कर दूं और मेरी भूख भी मिटाऊं। वो आदमी कांपते हुए बोला, परंतु शेर, जब तक तुम पिंजरे में थे तब तक तुम्हारी जुबान कुछ और थी, तुम मुझसे दया की भीख मांग रहे थे। वो सब छोड़ो और भगवान से आखिरी प्रार्थना कर लो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अब खाने वाला हूँ। वो सज्जन आदमी जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी वहाँ से एक लोमड़ी गुजर रही थी। उस आदमी ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी जी, देखो इस एहसान फरामोश शेर को, मैंने इसे पिंजरे से आजाद किया लेकिन अब ये मुझे ही मार कर खाने की सोच रहा है, कृपया मेरी मदद करो। लोमड़ी बड़ी होशियार थी, उसे बात समझ में आ गई। लोमड़ी बोली, मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगी जब तुम मुझे पूरी हकीकत शुरू से बताओ। तब उस आदमी ने पूरी हकीकत बयां की। लोमड़ी समझ गई कि मामला क्या है। वो होशियारी से बोली, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी बात। अगर तुम मुझे मेरी आँखों के सामने कैसे हुआ सब करके बताओगे तो मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। जब तुम यहाँ से गुजर रहे थे तब शेर कहाँ था? शेर पिंजरे में था, आदमी बोला। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से कहा, मेरे महाराज शेर जी, क्या आप पिंजरे में जा सकते हैं? फिर शेर पिंजरे में चला गया। इस दरवाजे की पोजीशन क्या थी जब शेर पिंजरे में था? ये दरवाजा बाहर से लगा हुआ था। ऐसे बोलते ही उस आदमी ने दरवाजा बाहर से लगा दिया और लोमड़ी को सारी बात बयां की। जैसे ही आदमी फिर से दरवाजा खोलने का प्रयास करने लगा, होशियार लोमड़ी जोर से बोली, मूर्ख, मैं तो ये सब नाटक कर रही थी शेर को वापस पिंजरे में कैद करने के लिए। अब घर जाओ और खुशी खुशी अपनी जिंदगी मजे से जियो। इस एहसान फरामोश शेर को यही मरने के लिए छोड़ दो। उस आदमी ने लोमड़ी को शुक्रिया कहा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि एक बार गलती करे तो उसे हम गलती कह सकते हैं, पर अगर बार बार आप एक ही गलती करोगे तो उसे मूर्खता कहते हैं।